हर हर महादेव। जय श्री अमरनाथ जी। अमरनाथ जी यात्रा 2024 पर आने वाले सभी शिव भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, क्योंकि काफी सारे तीर्थ यात्री कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा का मेडिकल और पंजीकरण कैसे करवाएं। तो इस वीडियो में आप सभी को नई व्यवस्थाएं बताने वाला हूँ कि अमरनाथ जी यात्रा के मेडिकल और पंजीकरण में क्या बदलाव आया है और इसका पंजीकरण और मेडिकल कैसे करवाएं। साथ ही साथ आप सबको अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिएगा जरूर सब्सक्राइब। आप सभी शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ी जानकारी यही है कि अगर आप अमरनाथ जी यात्रा 2024 पर आ रहे हैं तो कई सारे शिव भक्त पूछते हैं कि अमरनाथ यात्रा का मेडिकल और पंजीकरण कैसे करवाएं, क्योंकि आप सभी को बता दें कई सारे यात्री पहली बार आते हैं और कई सारे तीर्थ यात्रियों को इस बारे में पता नहीं होता है कि अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण या फिर मेडिकल में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आप सभी को बता दें, आप सभी शिव भक्त सबसे पहले उन हॉस्पिटल्स में जाएंगे जिन हॉस्पिटल्स की सूची श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट की गई है, यानी कि अब तक की 2024 की सूची जो है, जो लिस्ट है डॉक्टर्स की, वो अपडेट नहीं की गई है। आपने किसी और हॉस्पिटल में नहीं जाना है, आपको जिस बैंक में सूचित किया जाएगा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से, उसी बैंक में आपने जाना है। ये सबके स्टेट्स में होता है और सबके डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं कई स्टेट्स के उनमें नहीं होता है, पर आप सभी को बता दें मैक्सिमम जो होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं उनमें हो ही जाता है। इसके बाद पंजीकरण की जो बात है, पंजीकरण भी इसी तरह से करवाना होता है। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर ये लिस्ट अपडेट की जाती है, स्वस्थ प्रमाण पत्र की डॉक्टर्स की लिस्ट और साथ में बैंक ब्रांचेज की लिस्ट। बैंक ब्रांचेज में आप सभी की आते हैं यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और इसके साथ SBI बैंक। इन बैंक ब्रांचेज में आपका जो पंजीकरण है वो होता है। अब देखिए, यस बैंक और साथ में जो पंजाब नेशनल बैंक है, SBI बैंक है, इनकी ब्रांचेज तो बहुत सारी हैं। अब क्या सारी ब्रांचेज में होगा? बिल्कुल नहीं। जिन बैंक ब्रांचेज की सूची जारी की गई है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा, उन्हीं में होगा ये, ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आप सभी तीर्थयात्रियों के लिए अब ये बड़ी जानकारी बनती है कि आखिर हम कैसे पता करें कि हमारी स्टेट में कहां जैसे पंजीकरण हो रहा है और साथ में कहां जैसे मेडिकल हो रहा है। तो देखिए, अभी फिलहाल अमरनाथ जी यात्रा 2024 की जो लिस्ट अपडेट होती है डॉक्टर्स की होती है, साथ में होती है अपने बैंक ब्रांचेज की, तो अब तक वो अपडेट नहीं हुई है। जो ही अपडेट होगी तो मैं आप सभी को बता दूंगा। साथ में आप सभी तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी जानकारी ये जुड़ी है कि जैसा कि आप सभी को पता होगा 2024 की यात्रा में, यानी कि 2023 की यात्रा से पंजीकरण में एक बड़ा फेरबदल किया गया है, यानी कि यात्रा क्या बायोमेट्रिक पंजीकरण हो रहे हैं। 2023 से पहले क्या हो रहा था कि अमरनाथ यात्रा में कोई भी भक्त बिना बायोमेट्रिक पंजीकरण के आ सकता था। बायोमेट्रिक पंजीकरण की व्यवस्था इसीलिए लाई गई है क्योंकि खासकर तीर्थ यात्रियों से फ्रॉड किए जाते थे, स्कैम्स किए जाते थे, इसके चक्कर में आप सभी के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण की व्यवस्था लाई गई है। और बायोमेट्रिक पंजीकरण कैसे होते हैं, आपको बैंक ब्रांच में जाना होता है। अगर आप अपना ऑफलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं तो आपने खुद से जाना है और बैंक ब्रांच में अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, और आधार कार्ड से ही लिंक किया जाएगा आपका पंजीकरण। बिना आधार कार्ड के और आपके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स के ऑफलाइन पंजीकरण होता ही नहीं है, यानी कि आप अपना ऑफलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं खुद से, अन्यथा आपका पंजीकरण ऑफलाइन कोई भी नहीं करवा सकता। तो ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ऑनलाइन पंजीकरण आप किसी भी साइबर कैफे से जाकर करवा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से, जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ ही साथ जो ही इसकी लिस्ट अपडेट होंगी तो हम आप सभी को इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी दे देंगे। फिलहाल आप सभी भक्तों के लिए कुछ इसी तरह से जुड़ी ये जानकारी है।